करीब 2 साल हो चुके हैं कि 1 साल के भीतर दिल्ली विश्वविद्यालय में 9,000 से अधिक शिक्षकों को एडहॉक शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे। बहाली वैसे भी नहीं होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट का स्वाद चख लिया है, कम पैसे में शिक्षक रखिए और पढ़ाने के नाम पर ठेके के शिक्षकों से कार्यक्रमों में अतिथियों को बुलाकर फूलों का गुच्छा दिलवाइए। क्यों साल भर से बहाली नहीं हो रही है, इसे समझने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहले की क्या व्यवस्था थी यह जानने के लिए 200 प्वाइंट रोस्टर को समझिए। पहले एक यूनिवर्सिटी के सारे विभागों में जितनी भी वैकेंसी होती थी उसकी कुल संख्या का 49.5% आरक्षित हो जाता था और अब आरक्षित पदों को 200 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से सभी विभागों में वैकेंसी का वितरण कर दिया जाता था। इससे होता यह था कि 49.5% आरक्षण सबको मिलता था और हर विभाग में पूरी तरह से आरक्षण ना लागू होने के बाद भी पर्याप्त संख्या में आरक्षित पद पर नियुक्ति होती थी। अप्रैल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले से चली आ रही इस व्यवस्था को पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी को यूनिट नहीं मान सकते, इकाई नहीं मान सकते, इसकी जगह एक विभाग को यूनिट मानिए और इसके लिए 13 प्वाइंट रोस्टर बनाया गया। जैसे हिंदी विभाग में 10 वैकेंसी अगर निकलेगी तो 1 से 3 नंबर के पद पर जनरल की नियुक्ति होगी और हर चौथा पद जो होगा ओबीसी के हिस्से में जाएगा और हर 7वां पद अनुसूचित जाति के, यानी 7 पद निकलेगा तभी 7वां पद अनुसूचित जाति के हिस्से में जाएगा और 13वां पद जनजाति को मिलेगा। ऐसा शायद ही होता है कि किसी विभाग में एक साथ 13 वैकेंसी निकले। अगर वैकेंसियां आमतौर पर कम निकलती हैं तो कैसे लागू होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि विभाग को यूनिट मानने से आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो गई है। यूनिवर्सिटी को यूनिट मानने से एक यूनिवर्सिटी में कुल शिक्षकों का 49.5% आरक्षित होने की संभावना थी, मगर विभाग को यूनिट मानने से जरूरी नहीं कि वो वैकेंसी निकलेगी ही और रिजर्व भी रिजर्व होगी। 13 प्वाइंट रोस्टर और विभाग को यूनिट मानने का पैमाना जो है वो बहुत छोटा है। इस छोटे से पैमाने में आप अधिकतम सभी वर्गों को एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो सरकार 10% आरक्षण देने का जश्न मना रही है वो देखे कि 49.5% आरक्षण कैसे खत्म होता हुआ दिख रहा है। जैसे इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का यह विज्ञापन देखिए, अलग अलग विभागों के विज्ञापन निकाले गए हैं, किसी विभाग में 5 से अधिक पद का विज्ञापन नहीं है। आप देखेंगे कि जो रिजर्व पोस्ट है एससी एसटी और ओबीसी के उसमें नील है, कोई भी सीटों की संख्या नहीं है, सिर्फ जनरल में सीटों की संख्या है। तो आरक्षण तभी लागू होगा जब 5 से अधिक पद की वैकेंसी निकलेगी, इसलिए आरक्षित पदों का कॉलम आपको खाली दिख रहा है। अगर आप सभी विभागों का टोटल करें तो खेल समझ जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी ने 20 पदों के लिए विज्ञापन निकाले और 20 में से एक भी आरक्षित पद को नहीं गया, जो संविधान का उल्लंघन है। पुराने तरीके से यूनिवर्सिटी को यूनिट माना गया होता इस केस में तो 20 में से कम 9 पद ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति को गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसका क्या असर होगा, क्या अध्यादेश सरकार लाएगी? इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने एक बिल बनाया था मगर कहां है किसी को पता नहीं। इसलिए आपको याद होगा कि हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक शिक्षकों ने धरना दिया, बड़ी रैली निकाली, मांग यही थी कि सरकार अध्यादेश लाए, 13 प्वाइंट रोस्टर को हटाए, 200 प्वाइंट वाले को लाए और जल्दी से 4,500 पदों को भरे ताकि सबको आरक्षण का लाभ मिले और जनरल को भी पद मिले, उनको उनकी भी नौकरी हो। इस नए 13 प्वाइंट रोस्टर से दिखता यह है कि 100% आरक्षण जो है वो जनरल के लिए हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के विज्ञापन में देखा। ऐसे कई विज्ञापनों से इसके आलोचक साबित करना चाहते हैं, क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस आदेश के बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? एक हिसाब से सवाल करने वालों ने मुझे बताया कि 13 प्वाइंट रोस्टर से 13 पदों में से 9 जनरल को जाएंगे और 4 रिजर्व को, लेकिन तब जब 13 की वैकेंसी आएगी। अगर 2 ही वैकेंसी निकली तो वह दोनों सीट जनरल को जाएगी, अनुसूचित जनजाति के छात्र का तो नंबर ही नहीं आएगा। एक सवाल यह भी है कि किसी यूनिवर्सिटी में डिसेबिलिटी एक्ट क्यों नहीं लागू होता? डिसेबिलिटी एक्ट को लेकर भी बहुत सारे विशिष्ट शारीरिक क्षमता वाले छात्र और शिक्षक मुझे लगातार लिखते रहते हैं कि यूनिवर्सिटियां इस पे चुप रहती हैं और सरकार विज्ञापन देकर निकल जाती है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2620 प्रोफेसरों में से अनुसूचित जाति के मात्र 130 और जनजाति के 34 प्रोफेसर हैं।
यानी 4.96% अनुसूचित जाति के और 1.30% जनजाति के, ओबीसी का एक भी नहीं। जनरल वर्ग के 2,434 प्रोफेसर हैं। साफ है आरक्षण पहले भी लागू नहीं होता था और अब भी लागू नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए फैजान मुस्तफा साहब हैं। फैजान साहब का अक्सर वो संवैधानिक मसलों पर राय देने के लिए आते हैं, ये भी संवैधानिक मसला है, लेकिन आज उनकी पोजीशन अलग है। वो भारत और कनाडा के कंसोर्टियम के तहत 132 विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष हैं और भारत में 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। तो फैजान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों ने मुझसे ये बात कही कि आरक्षण व्यवस्था इस फैसले से खत्म हो जाती है, क्या ये उनकी बात सही है? रवीश, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और आप बार बार यूनिवर्सिटी सीरीज में कहते रहे हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो जिस तरीके से मामला चल रहा है ऐसे हम नहीं बनेंगे। मुझे ये लगता है कि ये बात जो कह रहे हैं हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ब्रदर्स, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए रवीश, कि वही 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो आपने अभी आंकड़ा दिया कि उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पे ओबीसी रिजर्वेशन है ही नहीं। अब ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज का स्ट्रक्चर होता है रवीश, ज्यादातर ये होता है कि एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर होता है और अक्सर दो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो अब प्रोफेसर की पोस्ट क्योंकि एक होती है, अगर डिपार्टमेंट यूनिट बनेगा तो कभी भी वो आरक्षित नहीं की जाएगी। और अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग प्रोफेसर नहीं बनेंगे और वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल की प्रोफेसर की सीनियोरिटी जरूरी है, तो भारत में अब दलित और ओबीसी वर्ग से डीन और वाइस चांसलर्स इस वर्ग के नहीं बनेंगे। मैं रवीश इस बात को ऐसे आपको समझाना चाहता हूं कि संविधान में पूरा एक मुद्दा जो रिजर्वेशन का है वो ये लेके है कि जो कास्ट अनरिप्रेजेंटेड है, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार के संस्थाओं में, उनके लिए आरक्षण किया जाए। अब जब 22.5% SC/ST का रिजर्वेशन होना चाहिए और अभी आपने खुद बता दिया कि ST में 1.3% हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स हमारे, तो आप ये सोचिए कि हम वो रिजर्वेशन जो संविधान में के तहत हम करते हैं उसको भी नहीं पा रहे हैं। अब अगर हमने डिपार्टमेंट यूनिट बना दिया तो मैं ये समझता हूं कि ये रिजर्वेशन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा कदम है। और फिर विश्वविद्यालयों में बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व SC/ST और OBC का नहीं रह जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कोई रीजंस भी नहीं दिए, बस उन्होंने कहा साहब ये पहले भी फैसले होते रहे, कोई नई बात नहीं हुई। क्योंकि ये देखिए कि जब ये विवेक तिवारी का जजमेंट हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का और अपील में आए थे तो डिसमिस हो गई थी, फिर रिव्यू भी डिसमिस हो गया, फिर बाद में जब हंगामा हुआ तो UGC दोबारा गई सुप्रीम कोर्ट में। मैं समझता हूं जितनी अच्छी पैरवी होनी चाहिए थी वो इस केस में शुरू से नहीं हुई। और दूसरी चीज ये कि मैंने ये लिखा है अपने आर्टिकल्स में कि ऐसा लगता है कि भारत के न्यायालय रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं और उन्होंने उसमें अक्सर अड़ंगे लगाने की कोशिश की है। ये एक और एग्जाम्पल है कि जब आप यूनिट जो है वो चेंज कर देंगे यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट बना देंगे यूनिट, तो रिजर्वेशन खत्म होने की तरफ बढ़ेगा। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत गलत बात। फैजान साहब, आपने बहुत ही स्ट्रांग कड़े वाक्य का इस्तेमाल किया कि भारत के न्यायालय आरक्षण के विरुद्ध हैं। इसे और भी स्पष्ट कीजिए और ये बताइए कि अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ गया है तो क्या सरकार के पास ठीक करने का कोई रास्ता है? नहीं, सरकार के पास ठीक करने का रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूं रवीश कि न्यायालय आम तौर से मेरिट के नाम पे कहते रहे कि साहब 50% रूल। अब 50% रूल तो कहीं दिया हुआ नहीं है। वो के इंदिरा स्वानी में जाके उन्होंने कहा कि बहुत कंपेलिंग रीजन हो तो 50% के रूल को आप वो कर सकते ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन कैच अप कैरी फॉरवर्ड मतलब इतने संविधान में संशोधन करने पड़े हैं न्यायालयों ने जो बात कही है रिजर्वेशन पे उनकी वजह से, और फिर बार बार वो संविधान संशोधन चैलेंज किए गए हैं कि मुझे ये लगता है। और इसीलिए अब ये देखना होगा कि ये जो 10% आर्थिक रिजर्वेशन है अगर ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको
अप्रूव कर दिया तो ये बात और हाइपोथेसिस साबित हो जाएगी कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को मेरिट के नाम पे न्यायालय जो है वो अपोज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिजर्वेशन जाएगा जिसमें अपर कास्ट बेनिफिशियरी होंगे अगर उसको उन्होंने अप्रूव किया तो ये हाइपोथेसिस और एक बार साबित होगी। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं तो एक एम्पेरिकल बात कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन के केसेस तो ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें न्यायालय ने जो सरकारें करना चाहती, दरअसल बात क्या है रवीश, एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊं, सरकारें भी कोई दलितों या ओबीसी के हक की लड़ाई नहीं लड़ती है। जब इलेक्शन होने वाला होता है तो इलेक्शन से पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, इलेक्टोरल कंपल्जन्स की वजह से रिजर्वेशन अनाउंस करती हैं। अब क्योंकि जजेस हैं उनको इलेक्शन का कोई डर नहीं है, उनको किसी के वोट नहीं चाहिए, तो वो मेरिट के नाम पे ज्यादातर रिजर्वेशन पे अधिक से अधिक अंकुश लगा देते हैं। प्रशांत साहब, बहुत सारे जो छात्र मिल रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनका ये कहना है कि यूजीसी ने पहले सर्कुलर निकाल दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद, और वो अपने ही सर्कुलर को वापस लिए बगैर उसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सरकार भी मजाक कर रही थी। और क्या ये वाकई ये ऐसा हुआ है कि एक साल से नियुक्तियां विश्वविद्यालयों में रुक गई हैं इसकी वजह से? रवीश, अप्रैल के बाद से किसी भी विश्वविद्यालय में कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं हो पाई क्योंकि यूजीसी ने सिलेक्शन कमेटी करने को मना किया। और अभी कोई एक डेढ़ महीने पहले सारे कुलपतियों के पास, हमारे पास भी वो लेटर आया कि आप ये बात लिख के दीजिए कि आपने कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं की, और अगर आपने सिलेक्शन कमेटी की तो क्यों की, उसके रीजंस दीजिए। तो जब हंगामा हुआ तब इन्होंने ये उस पर रोक लगा दी। मैं ये समझता हूं कि रोक लगाने की वजह से और हमारी सिचुएशन हो गई। आप सोचिए कि यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, जहां 45-50% तो वैसे ही वैकेंसीज नहीं थी, अगर पिछले 8 महीने में कहीं पे भी कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी तो उन यूनिवर्सिटीज का क्या होगा? सिलेक्शन कमेटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में रवीश होती है उसमें एक राष्ट्रपति का नॉमिनी होता है, तो पहले वो नॉमिनी हर फैकल्टी का अलग अलग होता था। जैसे लॉ का नॉमिनी है तो वो लॉ का प्रोफेसर होगा। अब ये सिस्टम है कि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए 5 लोग बना दिए गए, सिर्फ उन्हीं से आपको कंसेंट लेके सिलेक्शन कमेटी करनी है, वो सब्जेक्ट को नहीं जानते। ये बड़ा गंभीर बात है, समझने की बात है कि जो चयन की प्रक्रिया है, लॉ के प्रोफेसर की नियुक्ति में केमिस्ट्री वाला बैठा हुआ है और वो भी प्रोफेसर नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये देखने की बात है। और ये जनता तक ये मुद्दे नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। पर फैजान साहब, फिर से हम लौटना चाहते हैं कि मेरे कई मित्र जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कई दिनों से समझा रहे हैं रोस्टर का, तो मुझे लगता था कि हम नहीं समझा पाएंगे, पर हम वाकई इससे आप खुद भी कह रहे हैं उनकी बात की, हाँ इससे रिजर्वेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी में खत्म हो गया है। क्या राज्यों के कॉलेजों में भी यूनिवर्सिटी सिस्टम खत्म हो गया? और फिर मैं अब आपसे जवाब ये भी चाहता हूं कि सरकार अब क्या कर सकती है, लोग सरकार से क्या डिमांड कर सकते हैं? अगर सरकार कहेगी कि हमारे पास, हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कहानी खत्म। रवीश, राज्यों में तो 20 सालों से कई राज्यों में बैन लगा हुआ है कि रिक्रूटमेंट पे, कि कोई आदमी टीचर अगर प्रोफेसर रिटायर हो गया तो उसकी पोस्ट ना भरी जाए और उसको में गेस्ट फैकल्टी रख लिया जाए। और इसलिए राज्यों की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तो और ज्यादा बुरे हालात हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है, सरकार उस फैसले को बदल सकती है। एससी एसटी एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। शाहबानों के केस में एक फैसला आया था, सरकार ने उसे पलट दिया, जो कि उस पे बाद में कंट्रोवर्सी होती रही। आ जाएगा, अभी सिर्फ बजट सत्र है, तो क्या सरकार के पास मौका है? भाई अभी देखिए, लोकसभा का सेशन होने में पार्लियामेंट के अभी 1 हफ्ते से ज्यादा है, सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस ले आए। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में कई महीने पहले ये बात मेरे ख्याल से जुलाई जून में लिखी थी कि ऑर्डिनेंस आना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डिनेंस नहीं आया। फिर बीच में ये सुना कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पे प्रोटेस्ट होने लगी स्वर्णों की तरफ से, तो मैं समझता हूँ इस लड़ाई को स्वर्ण और दलित पे ना देखा जाए। यूनिवर्सिटीज में एक तो सिलेक्शन कमेटीज होने का आदेश फौरन आना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि जब यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो उसकी गवर्निंग काउंसिल है, वो रिजर्वेशन देख के देती है कि इस डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट रिजर्व कर दो, इस डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट रिजर्व कर दो, ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा लॉजिक है
कि साहब ऑरेंजेस और एप्पल्स को जो है कंपेयर ना किया जाए, कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री को कंपेयर ना किया जाए, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। उनको यूनिवर्सिटी सिस्टम में कैसे रिजर्वेशन लागू किया जाता है ये नहीं। और रवीश आप देखिए, किसी डिपार्टमेंट में सारी पोस्ट एक साथ खाली नहीं होती। आज एक आदमी रिटायर हुआ, कल दूसरा आदमी छोड़ के चला गया, वही दो पोस्ट भरी जाएगी उस डिपार्टमेंट में, की पूरी आठ पोस्ट एक साथ नहीं भरी जाती। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, ये बात अब मुझे आपसे बात करने के बाद बेहतर तरीके से समझ में आई। हमारे मित्र राजेश पासवान, उनसे मैं बात कर रहा था, मुझे भी ये बात समझ में आने लगी कि दो बातें लोगों को समझनी है कि कॉलेज राज्यों में जो यूनिवर्सिटी है वो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो ना तो जनरल को पद मिल रहा है, ना रिजर्व कैटेगरी को मिल रहा है। और ये जो नई व्यवस्था आई है, उस नई व्यवस्था को अगर लागू किया जाए तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तो एंट्री ही नहीं मिलेगी, ओबीसी और अनुसूचित जाति के छात्रों की एंट्री मिलने की संभावना ही रह जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी, और सारे पद जनरल को चले जाएंगे अगर बहाली हुई तो ये एक बात है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में जहां हजारों की संख्या में वैकेंसी खाली है, क्या रिजर्वेशन को खत्म किया जा सकता है और क्या वो होने देगी। हम इस पर और आगे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब इस पर समझाने के लिए। भारत सरकार का ध्यान यूजीसी के 5 मार्च के उस सर्कुलर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस सर्कुलर के माध्यम से देश के तकरीबन 60% पिछड़े, तकरीबन 22% दलित, तकरीबन 7.5% अनुसूचित जनजाति, देश के तमाम जो 85% से ज्यादा लोग हैं उनके साथ देश के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पूरी तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उपाध्याय जी, 1997 में ऐसी लोगों को रिजर्वेशन मिला, 2007 में बीसी को मिला, और 2018 आते आते यूपीएससी और एचआरडी मिनिस्ट्री को इन वर्गों का रिजर्वेशन बर्दाश्त नहीं हुआ, और इन्होंने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर के माध्यम जी बहुत गंभीर मामला पाते जी, इस सर्कुलर के माध्यम से जहां पहले 200 पदों का रोस्टर बना था, पूरे विद्यालय विश्वविद्यालय को एक सामान्य मान के, एक यूनिट मान के जो रिजर्वेशन मिला था उपाध्याय जी, उसको खत्म किया जा रहा है। और उपाध्याय जी, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है उपाध्याय जी, इतना महत्वपूर्ण उपाध्याय जी, उठाने का मौका दीजिए उपाध्याय जी। अभी जो तमाम विश्वविद्यालय विज्ञापन आए, केवल अगर हम पंजाब विश्वविद्यालय की बात करें तो 58 पदों में केवल 2000 पद, 58 में केवल 2, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 53 में, 63 में केवल 5, आपके कानपुर विश्वविद्यालय 15 में 0, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय 163 में 37, आपके संपूर्णानंद काशी विश्वविद्यालय में 52 में 8, बीएचयू में 99 में केवल 20। इस तरह से न्याय, इस तरह से उपेक्षा, इस तरह से न्याय अत्याचार हो रहा है देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों के साथ। ये जो सरकार दावा ठोकती है कि दलितों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, अनुसूचित जनजाति के साथ है, ये ढकोसला है।